बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आप जो अपने स्क्रीन पर ये बॉक्स बना हुआ देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और हर बॉक्स में कुछ हर्फ दिए हैं आपको। जैसे यहाँ पर ये पहला बॉक्स है, इसके अंदर आपको कुछ हर्फ दिए हुए हैं इस पहले बॉक्स में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हर्फ दिए हुए हैं? सीन, ते, ये, सीन। तो आपको करना ये है कि इन दिए हुए हर्फों की मदद से आपको लफ्ज़ बनाना है, बामानी लफ्ज़ जिनका कोई मतलब निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी बेमानी उल्टे सीधे अल्फाज हम बना ले रहे हैं जिनके कोई मानी नहीं निकल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि बामानी लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर पहले इसमें कुछ पाँच हर्फी लफ्ज़ हैं और कुछ चार हर्फी लफ्ज़ हैं, और कहीं पर पाँच हर्फ़ दिए हुए हैं, कहीं पर चार हर्फ दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें पहला है सीन, ते, ये, सीन। अब इन हर्फों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें कोई ऐसा बामानी लफ्ज़ बनना चाहिए जिसके कोई मानी हो। तो हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। अब अगर हमने सीन से शुरू करें तो सतीश, ये सतीश कोई लफ्ज़ नहीं है, है ना। अगर हम ते से शुरू करते हैं तो तीसस, ये भी कोई लफ्ज़ नहीं है। हाँ, अगर हम सीन और सीन को मिलाते हैं तो ये बन गया सुस, और ते और ये को मिलाते हैं तो ये बन गया ती। तो लफ्ज़ बना इससे सुस्ती या सस्ती। सस्ती कम दाम वाली, सुस्ती काहिली, दोनों भी बन सकते हैं। इसे पेश लगा दें तो सुस्ती बन जाएगा और ज़बर लगा दें तो सस्ती बन जाएगा। सस्ती मतलब कम कीमत वाली। तो इस तरह आपने इन चार हर्फों से एक लफ्ज़ बनाया, सस्ती, है ना बेटा, सस्ती। ये आपने हर्फ बनाया, ये सॉरी, ये आपने लफ्ज़ बनाया सस्ती, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है दूसरा लफ्ज़। अब दूसरा लफ्ज़ क्या है? दूसरा लफ्ज़ हमको उसमें बनाना है, दिया हुआ नहीं है लफ्ज़ बल्कि उसके हर्फ दिए हुए हैं। अलिफ, सीन, नून, नून और अलिफ। अब अलिफ, सीन, असन, ना, अगर इसको मिला दिए सीधा सीधा तो असन ना तो कोई लफ्ज़ नहीं है। फिर ननास, ये भी कोई लफ्ज़ नहीं है। फिर क्या बन सकता है? फिर आपके समझ में आएगा धीरे धीरे, इंसान, इन सान, यानी यहाँ आपने इन लिया और यहाँ से सान, इंसान। क्या बन गया लफ्ज़? इंसान, ठीक है। फिर उसके बाद में जाल, लाम, ये, जाल। अब जाल दो मरतबा आया है और फिर उसके बाद में लाम आया है, फिर ये आया है, तो ये क्या हो जाएगा? लजीज। क्या बन जाएगा? ये लजीज। फिर उसके बाद में नीचे देखिए, इसी तरह से अलीफ है, सीन, अलीफ, सीन। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये लफ्ज़ क्या बनेगा। तो ये होगा एहसास। क्या बनेगा? एहसास। और फिर ये जो है रे, शीन, ये, रे, ये बनेगा शरीर। क्या बनेगा? शरीर, यानी जो बच्चा शरारत करता है उसे हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। और फिर वलवला, फिर क्या बनेगा? वलवला। फिर इसी तरह से ये आया जीम, नून, वा, नून। सोचिए क्या बन सकता है ये, कोशिश करना आपका काम है। हम आपको बता रहे हैं लेकिन आप याद नहीं रखेंगे, लेकिन फिर आप कोशिश करेंगे तो आपसे ये लफ्ज़ बनेंगे। और आपको कोशिश करना है क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत मज़ा आता है बनाने में, इसलिए हम आपको लिखकर नहीं दे रहे, बस सिर्फ बनाकर बता रहे हैं। हो सकता है आपको ध्यान आ जाए और आप बना लें, या फिर आप ख़ुद कोशिश करके बना लें। तो ये बनेगा जुनून। ये क्या बनेगा? जुनून। अब ये बे, लाम, लाम, बे, क्या बन सकता है? बुलबुल। फिर ये है मीम, शीन, काफ, काफ, शीन। क्या बनेगा? कशमकश। क्या बनेगा? कशमकश। फिर उसके बाद अलीफ, सीन, नून, हे, अलीफ। अब ये हो जाएगा एहसान। क्या बन जाएगा ये? एहसान। फिर ये है लाम, दाल, दाल, लाम। क्या बन सकता है? दल, 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 कीचड़ वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? दल, दल।
फिर शीन नून अलीफ नून, क्या बनेगा ये बोलिए? निशान, क्या बनेगा? निशान, नी शान, ये बन गया निशान। फिर उसके बाद मीम स्वाद ऐ वाव ऐन मीम, अब क्या बन सकता है? मीम में ऐन मिला है तो हो गया मा, स्वाद वाव हो गया सु, और फिर उसमें मीम मिला दिए तो सूम, मासूम, क्या बना ये? मासूम, ये क्या बना? मासूम। अब देखिए आगे रे अलिफ ते काफ रे, क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? आपने आपकी नज़्म भी थी उसमें भी ये लफ्ज़ आ चुका है, सोचिए क्या बनता है? तकरार, क्या बनेगा? तकरार। फिर शीन नून अलीफ नून, फिर बोलिए क्या बनेगा ये? अभी हम इससे पहले बना चुके हैं इसको, क्या बनेगा ये? शीन नून अलीफ नून, क्या बन जाएगा? निशान, क्या बनेगा? निशान, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे, ये यहाँ पर ये हम इसको पहले बना चुके हैं, उसको हमने दोबारा दोहरा दिया, यहाँ पर आ गया, फिर ये नीचे उसी को रिपीट किया गया है, शीन नून अलीफ नून निशान। और कुछ बन सकता है उससे दूसरा? कुछ बन सकता है? देखिए कोशिश कीजिए, एक तो हमने बना लिया निशान, अब दूसरा क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? हिंदी का लफ्ज़ बन सकता है उससे? अशनान, है ना। फिर देखिए मीम सीन वाव मीम, क्या बनेगा? मीम सीन वाव मीम, मौसम, क्या बनेगा? मौसम। फिर यह है लाम अलीफ, क्या हो गया? ला और अलीफ जीम और मीम नून, ये बनेगा उजला मन। और फिर आगे है ये मीम नून अलीफ हे मीम, क्या बनेगा बोलिए? सोचिए सोचिए क्या बन सकता है? मेहमान, क्या बनेगा? मेहमान, क्या बन जाएगा ये? मह, ये देखिए मीम हे मह और मीम अलीफ और नून मेहमान। फिर यहाँ पर नीचे अलीफ ऐन मीम नून अलीफ, क्या बनेगा ये? इन आम, क्या बनेगा? इन आम। और फिर यहाँ पर अलीफ मीम नून सीन अलीफ, बोलिए क्या बनेगा ये? क्या बन सकता है ये? सोचिए सोचिए थोड़ा सोचिए उसको, क्या बन सकता है? अलीफ मीम नून सीन अलीफ, आपको कोशिश करना है, आपको इसको बनाना है और बनाकर आपको इसको लिखना है। हर बॉक्स के नीचे आप जगह छोड़िए और जगह छोड़कर फिर उसके बाद आप उसको बनाइए। चलिए इसमें लास्ट वाले में कोशिश कीजिए जल्दी, और ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इतने सारे हमने आपको बताए, ये एक लफ्ज़ छोड़ रहे हैं हम आपको, और आपको बनाना ही है क्योंकि आपने इतने सारे अल्फाज तो हमने आपको बताए हैं। अब देखिए क्या कोशिश करते हैं आप, अगर नहीं बना पाएंगे तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। और फिर हर लफ्ज़ बनाने मतलब ये आपको पहले बॉक्स बनाना है पूरा, और फिर बॉक्स बनाकर बॉक्स के नीचे जगह छोड़ना है, और जगह छोड़ने के बाद में उसके नीचे यहाँ पर आपको उस लफ्ज़ को लिखना है, इस जगह पर ये स्पेस कम है ना, आपको ये स्पेस ज़्यादा छोड़ना है, और ज़्यादा छोड़कर यहाँ पर उस लफ्ज़ को लिखना है, ठीक है। और फिर देखिए बेटा ये यहाँ पर बनेगा, इसका जो भी लफ्ज़ बनेगा यहाँ पर वो यहाँ पर आएगा, और इसका जो लफ्ज़ बनेगा वो यहाँ पर आएगा, इसका जो लफ्ज़ बनेगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह देखते हैं अगले लेक्चर में अगली मश्क, ये आपको तमाम अल्फाज बनाने हैं और बनाकर आपको इसमें लिखना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।